सुपौल जिला आज धूम्रपान मुक्त जिला बन गया है। उक्त आशय की जानकारी डीएम महेंद्र कुमार ने दी है। जिला समाहरणालय के टीपीसी हॉल में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीएम महेंद्र कुमार के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद सहित जिले के तमाम संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों ने भाग लिया। इस मौके पर डीएम महेंद्र कुमार ने कहा कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत सुपौल जिला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जिला धूम्रपान मुक्त बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तकरीबन 4-5 साल से कार्य चल रहा था, जिसमें नोडल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारियों के द्वारा जिला प्रशासन को सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया है। इसके लिए उन्होंने तमाम जिलावासियों को बधाई दी है। एक ऐतिहासिक दिन है आज। कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सुपौल जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। जो कंप्लायंस रेट अभी तक पाया गया, यह एक लंबी जर्नी रही। विगत 4-5 साल से इस दिशा में काम हो रहा था। जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो नोडल पदाधिकारी हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा। ईडी जो सीड्स के हैं, उन्होंने भी लगातार यहाँ पर बैठक करके इस दिशा में जिला प्रशासन को अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया। मैं पूरे जिले वासियों को इस बात की बधाई देता हूँ कि सुपौल अब धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। साथ ही मीडिया के लोग, उनका भी इस पूरे अभियान में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं मीडिया के लोगों का भी जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूँ। यह जो हमारी जर्नी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह एक माइलस्टोन है। आगे भी हम इस स्टेटस को और ऊपर ले जाने का, पूरे सुपौल ज़िले को तंबाकू मुक्त जिला घोषित करने की दिशा में काम करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट टोबैको कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उसकी बैठक आज हुई है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो ग्राम पंचायत हैं, उनको भी हम लोग धूम्रपान मुक्त और तम्बाकू मुक्त करने की दिशा में काम करेंगे। अलग अलग जो नीचे हमारे पंचायतों में आम सभा की बैठकें होती हैं, वहाँ लोगों को तंबाकू के जो कुप्रभाव हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले से हम लोग काम कर रहे थे, तो यह एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग सुपौल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर रहे हैं। किंतु यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और हम लोग नीचे ग्राम पंचायत स्तर तक इस अभियान को पहुँचेंगे।